हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोमनाथ है। आज हम अपाचे और पीएचपी का इंस्टॉलेशन देखेंगे विंडोज सर्वर 2012 पे 60 पर बिट। ठीक है, मैंने पीएचपी का वेबसाइट ओपन किया है। फिलहाल आप देखेंगे तो मैंने डाउनलोड टैब पे क्लिक किया है, और यहाँ अभी देखेंगे तो पीएचपी के लेटेस्ट 3 जो वर्जन होते हैं वो हमें पहले होम पेज पे मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो ओल्ड वर्जन चाहिए तो आर्काइव में से हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो हम पहले लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं VC14 करके है, X64, तो अपने 64 बिट चाहिए थे इसलिए हम 64 बिट ले रहे हैं। और मैंने जीप पे क्लिक किया तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने अपाची पीएचपी और डाउनलोड ऑलरेडी करके रखे है। मेरा नेट स्पीड थोड़ा स्लो था इसलिए, ताकि अपना टाइम उसमें वेस्ट ना हो। लेकिन मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, वैसे ही है जैसे अभी मैंने पीएचपी की बताई, अभी मैं अपाची की बता देता हूँ। अपाची यहाँ पे, ये अपाची का पेज है डाउनलोड, ये वेबसाइट है अपाची की। यहाँ से हमें अपाची 64 बिट और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। तो यहाँ देखिए, पीएचपी ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, मैंने पॉज करके कैंसिल कर दिया, ताकि मैंने वो ऑलरेडी सॉरी डाउनलोड करके रखा है। और अभी मैं ये विजुअल स्टूडियो 15 ले रहा हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। पीएचपी के भी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि उसमें हमारा कंफ्यूजन ना बढ़े। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप तो अभी माइक्रोसॉफ्ट का साइट ओपन हुआ है, मुझे यह डाउनलोड बोलना है। अभी यहाँ देखिए, दो वर्जन है, एक 64 बिट और 32 बिट, तो हमें 64 बिट चाहिए। मैंने उसको टिक करके नेक्स्ट किया तो ये नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, हो रहा है। मैंने जैसे बताया था नेट थोड़ा स्लो है इस कारण। हाँ, ये देखिए, यह हो गया डाउनलोड, तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ, वो अपने आप हो जाएगा। और वैसे मुझे अपाची पर क्लिक करना है 64 बिट पे। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन दिखाते हैं ये अपाची वाले। हाँ, ये देखिए, वो ये अपाची भी डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। मैं ये भी पॉज करके कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने अभी 3 चीज़ें हैं जो डाउनलोड ऑलरेडी हो चुकी है। अभी ये हमारे आधे आधे डाउनलोड होते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए नीचे ये 3 हैं जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। मैं अभी विजुअल स्टूडियो का सेटअप कर लेता हूँ। एग्री पे क्लिक करना है, इंस्टॉल बोलना है, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है, हो गया इंस्टॉल। ये क्लोज कर देना है मुझे अभी। ओके, अभी मुझे पीएचपी और अपाची सी ड्राइव पे इस स्पेस पे डालने, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये अपाची का फोल्डर है, हमें कॉपी करना है और यहाँ जाके पेस्ट करना। ये पेस्ट होने में थोड़ी टाइम लेगा। तब तक हम पीएचपी भी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये पीएचपी के पूरे फोल्डर कॉपी कर रहे हैं, फोल्डर और फाइल्स। और ये मुझे सी ड्राइव पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ जाके हमें एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें पेस्ट कर देना।
ट्राई आ गया। ठीक है, मैं ये कैंसिल कर दूँ। स्किप तो नहीं करना है अपने को, ये चाहिए अपन। हाँ मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, देख लेते हैं इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आती तो फिर हमें लेनी पड़ेगी फिर से। एक तो फाइल लेनी पड़ेगी या पूरा सेटअप लेना पड़ेगा, देख लेते हैं कुछ दिक्कत आती है तो। देखिए अब अपाची पे मैं जाके आपको दिखा देता हूँ, देखिए पूरे फाइल्स आ गए। तो मैं भी यहाँ पे पेस्ट करना है PHP। ये मैं क्लोज कर रहा था। ब्राउज़र में मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं अपने को। अपाची पूरा हो गया है और शायद PHP भी हो गया, या हो गया। तो हमें अपाची पे अभी कॉन्फ़िग फाइल में जाके कुछ चेंजेस करने हैं। मैंने इसको नोट पैड प्लस प्लस में ओपन किया, यह अभी कुछ मैं ओपन ही कर लेता हूँ वो फाइल। मैं आपको वो फाइल के बारे में पहले बता देता हूँ। हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ सिंटैक्स लगते हैं, मैंने वो पूरे बना के रखे हैं पहले से। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे तो ये PHP INI का फाइल का ये है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ PHP INI ताकि आपको भी समझ में आए। और ये मैंने पूरी ये जो सिंटैक्स है वो वीडियो के नीचे पेस्ट भी करके रखे हैं, आप कुछ चाहिए तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। ये HTTP कॉन्फिग फाइल में जो चेंज करना है वो है, और ऊपर जो आप PHP INI में करना है ये। हाँ, ये मैंने वीडियो के नीचे टेस्ट में डाले हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। हाँ ये ध्यान में रखिएगा, ये PHP 7 का सिंटैक्स है। अब कोई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहे हो तो इसके लिए PHP 7 है तो यूज कर सकते, अदरवाइज इसका सिंटैक्स अलग अलग होता है अलग अलग वर्जन के लिए। अभी मैं सर्वर का रूट डायरेक्टरी एक बार चेक कर लेता हूँ, डायरेक्टरी ये बराबर होता है। एक्चुअली वो अपाचे हमने सी ड्राइव पे ही रखा है तो मतलब ये सही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे ना हमें ऑल करना है जो एक्चुअली इंस्टॉलेशन में नन करके आता है। हाँ यहाँ नन है, देख लीजिए, ये आपने कहा हम ऑल करना। यस, ऑल कर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये आप देखेंगे तो ये डायरेक्टरी रूट जो है ना वो सही है, वैसे ही होता है। नीचे दो लाइनें आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे हमें index.php भी ऐड करना है। PHP, यहाँ PHP का सीक्वेंस पहले लीजिएगा और फिर HTML का, ताकि अपने डायरेक्टरी में पहले PHP रन हो जाएगी। PHP की इंडेक्स फाइल नहीं है तो वो HTML की है क्या चेक करेगा। हो गया, HTTP कॉन्फिग के पूरे चेंजेस हो गए, तो मैं वो क्लोज कर डालता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हाँ ओके, मैंने क्लोज कर दिया वो फाइल। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्या आप बोलेंगे कि हाँ
अपना पूरे चेंजेस तो हो गए, तो लोकल होस्ट चलना चाहिए। मैं बोल देता हूँ कि अभी लोकल होस्ट इस फेज पे तो नहीं चलेगा, फिर भी आप देख लीजिएगा। हाँ, या दिस साइज कांट बी रीच्ड आ रहा, मतलब ये नहीं, अभी फिलहाल उस स्टेज पे हम नहीं है कि हमारा लोकल होस्ट वर्क करे। तो हम अभी PHP फाइल में चेंजेस करेंगे। आप PHP में आप देख लीजिए, यहाँ PHP INI के फाइल में चेंजेस करने, और वह दो टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्शन और दूसरा डेवलपमेंट। तो हमें वो डेवलपमेंट फाइल लेना है, वो कॉपी करना है, उसके बाद उसको पेस्ट करना है और इसको PHP INI नाम से रिनेम करना है। अभी इस फाइल में थोड़े से चेंजेस करने हैं। इसको नोटपैड प्लस प्लस में ही ओपन किया। तो हमें पहले उसको एक्सटेंशन डायरेक्टरी सेट करनी है। वी एक्सटेंशन डायरेक्टरी क्या होती है वो मैं बोल देता हूँ। जो PHP के लिए जो एक्सटेंशन यूज होते हैं रन होने के लिए, वो पूरे एक फोल्डर में, एक्सटेंशन नाम का फोल्डर है PHP के अंदर, वहाँ से वो हो जाते हैं, वहाँ से होते हैं ऑलरेडी, तो हमें वहाँ से वो उठाने हैं, इसलिए हम वो एक्सटेंशन पाथ दे रहे हैं। और मैं बोल देता हूँ, देखिए C, उसके बाद PHP और EXT। देखो ये पूरे एक्सटेंशन है, वो PHP रन होने के लिए चाहिए होते, वो हमने वहाँ ऑलरेडी इसमें हेड फाइल में इंक्लूड कर लिए। उसके बाद अभी इंक्लूड पाथ देना है, जो हमारे प्रोजेक्ट है उसका हमें इंक्लूड पाथ देना है, जो HTTPD का होता है। हाँ, ये इंक्लूड पाथ है जो हमारे अपाचे फोल्डर का, जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे वो पाथ देना है। और उसके बाद अभी हमें सेशन पाथ एक बार सेट करना है PHP INI में। मतलब हमारे जो सेशन स्टोर हो गए वो किसी एक टेम्प्रेरी फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे वहाँ के लिए। तो हम ये अपाची में टेम्प नाम का एक फोल्डर बना के बाहर स्टोर करेंगे। तो मुझे पहले ये काम करना पड़ेगा कि अपाची फोल्डर में जाके टेम्प नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे है नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो फोल्डर है नहीं। तो हाँ, तो मैं अपाची फोल्डर में भी जा रहा हूँ। हाँ, अपाची ओपन किया मैंने। अब यहाँ टेम नाम का एक फोल्डर क्रिएट, आप देखेंगे तो यहाँ पे है नहीं फोल्डर, इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ये फोल्डर क्रिएट किया। अभी एक एक करके एक्सटेंशन ओपन करेंगे PHP। आप एक बार देख लीजिए मेरे वीडियो में, नीचे भी मैंने ये डाला हुआ है, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि हम वन बाय वन एक्सटेंशन ओपन कर रहे हैं। ये इंस्टॉलेशन मैंने प्रोडक्शन के लिए ओपन किए हुए थे, ये प्रॉपर चल रहे हैं। आप एक बार इतने एक्सटेंशन ओपन करेंगे तो आपका PHP का प्रोजेक्ट अच्छी तरह से यहाँ पे रन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे एक्सटेंशन है, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वो आपको एक एक वन बाय वन करके ओपन करने पड़ेंगे। और अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक्सटेंशन के बारे में बात चल रही है, तो PHP 5 के पहले के जो सारे वर्जन थे उसको हम SQL कनेक्शन स्ट्रिंग में SQL लिखते थे। अभी लेटेस्ट वर्जन है PHP के, उसमें हमें SQLi लिखना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे और रन नहीं हो जाएगा, तो ये कनेक्शन की दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। SQLi स्ट्रिंग में हमें यूज करना है।
मैनेज कर सेव कर लिया, अपना काम हो गया। अभी भी देखो, अभी मैं लोकल होस्ट एक बार रन करके ले देता हूँ तो भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अभी इंस्टॉलेशन बाकी है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया। अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें डिफ़ॉल्ट, हम जिस लॉगिन से लॉगिन है वहाँ लेके जाता है, तो मुझे वो सी ड्राइव पे आना है। तो सी डी उसका कमांड है, मैं सी ड्राइव पे आ गया। अब हमें सी डी ही कमांड यूज़ करके अपाची फोल्डर में जाना है, और हमारे जो HTTPD फाइल है वो बिन में स्टोर है, इसलिए हमें बिन तक जाना है। तो बिन फोल्डर में हम चले गए। यह लिखना है HTTPD के, हाँ यहाँ मेरे पहले से मेरा एक इंस्टॉल है अपाची, मैं वो पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं पहले वो अनइंस्टॉल का कमांड डाल देता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है, आप पहली बार कर रहे हो तो डायरेक्ट इंस्टॉल का कमांड मार के आप आगे जा सकते हो। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, पहला वाला वर्जन रिमूव हो गया। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, नया वर्जन इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अभी मुझे इसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो उसे स्टॉप भी कर सकते हो, यहाँ सिर्फ स्टार की जगह स्टॉप लिखना है, और एंटर करना है तो वो स्टॉप हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता देता हूँ कि ये कमांड है करके, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे जाके एक बार ओपन करेंगे, इट्स ओके, इट्स वर्किंग, मतलब ये अभी स्टार्ट हो गया है, अपना काम सही हो गया है, अभी ये अपाची वर्क कर रहे हैं। तो अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा अपाची तो वर्क कर गया। अभी यहाँ पे जो PHP INI फाइल हम डालेंगे वो वर्क होती है कि नहीं, तो मैं पहले PHP का सॉरी PHP INI नहीं, PHP फाइल डालेंगे वो और वर्क होती नहीं। अभी मैंने यहाँ PHP का एक सिंटैक्स पेस्ट कर दिया है, तो ये सिंटैक्स से हमें PHP की ये मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, अपने वर्जन की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मैंने index.php के नाम से वो सेव कर दिया है फाइल। अभी मेरे डायरेक्टरी में ऑलरेडी index.html फाइल था, वो मैं हटा देता हूँ, जो अपना आउटपुट आया था इट्स वर्किंग करके। हाँ अभी मैं इसको ये कर लेता हूँ, ओके। ये देखिए अपना PHP भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, मतलब हमारा इंस्टॉलेशन परफेक्ट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी हाँ इस पेज पे देखेंगे तो वो पूरे इंफॉर्मेशन देता है अपाची के बारे में, PHP के बारे में, कौन सा वर्जन है, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल देता हूँ, पहले हमारा डिस्कस हुआ था, तो ये मॉन्टर है अपाची का, और ये HTTPD है जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम यूज़ की थी। बिन फोल्डर में जाके HTTPD इंस्टॉल, HTTPD स्टॉप, HTTPD अनइंस्टॉल, HTTPD इंस्टॉल, ये यहाँ से किया था। और ये मॉन्टर है, जैसे कि आप ये मॉन्टर पे डबल क्लिक कर लेते हो तो वो नीचे ओपन हो जाता है। ये मॉन्टर का यूज़ आपको अपाची रिस्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए यूज़ हो जाएगी। ये देखिए यह स्टॉप है और नीचे रिस्टार्ट, ये दोनों यहाँ से आप कर सकते हो, और आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जैसे मैंने अभी दिखाया वहाँ से भी कर सकते हो। चलो कुछ दिक्कत है तो मुझे, ये मेरा मेल आईडी है, मेरी कंपनी के वेबसाइट है, अब वहाँ जाके कुछ कमेंट दे सकते हो, या कुछ दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकते हो, मैं तो आपको रिप्लाई कर दूंगा।